हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यूको बैंक के शेयर के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे तो यूको बैंक के शेयर में तकरीबन हम लोगों को 2% से ज़्यादा का तेजी देखने को मिला। एक तरफ अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आपको 1000 पॉइंट नीचे फॉल हो गया और यहाँ पे हम लोगों को यूको बैंक में तकरीबन 2.25% से ज़्यादा का तेजी देखने को मिला। अगर और सभी PSU बैंक के ऊपर बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 4.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक 2% टूटा है। IDBI बैंक 1.5% से ऊपर टूटा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करीब 2.3% से ऊपर टूट के क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो यूको बैंक का शेयर जो है आपको तकरीबन 2.5% ऊपर क्लोज हुआ है। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। इस स्टॉक में अगर बात करेंगे तो स्टॉक अभी भी एक रेंज में है। यहाँ पे जो है रेंज अभी भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ऊपर की साइड में अभी भी 34 का जो रेंज था वो अभी भी बना हुआ है, इंटैक्ट है। डाउन साइड में अगर बात करेंगे तो स्टॉक 29 के पास एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे इससे पहले आपको एक बार जरूर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ था, बट अगेन काफी शार्प यहाँ पे हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला था। वापस से यहाँ पे आपको हिट किया, अगेन यहीं से बाउंस बैक देखने को मिला था। अगेन यहाँ पे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिया था, बट वापस से आज हम लोगों को डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रॉडर लेवल पे जब तक स्टॉक ऊपर की साइड में आपको 38 रुपीज के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, क्योंकि मंथली, वीकली, डेली तीनों ही टाइम फ्रेम में 38 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है 38-40 का। तो जब तक 38 के लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे फर्दर अपसाइड हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटर है अगर अभी तक आप लोग पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं तो अभी भी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर बात करेंगे निफ्टी PSU बैंक भी आज अच्छा टूटा है और वहाँ पे भी आपको जब तक, क्योंकि ब्रेकआउट जब आएगा तभी आपको सभी स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक या तो डाउन साइड जा सकता है या फिर आपको साइडवेज ट्रेड कर सकता है। साइडवेज ट्रेड करेगा आपका पेशेंस टेस्ट होगा, तो बेटर है यहाँ पे वेट कीजिए। अगर अभी तक वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का, वेट कीजिए। ब्रेकआउट के बाद आपको एक अच्छा एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। डाउन साइड में अगर बात करेंगे, डाउन साइड में जब तक आपको प्रीवियस स्विंग लो जो कि 27 का लेवल है ये नहीं ब्रेक होता है, डाउन साइड में हम लोगों को मेजर फॉल देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक आपको 27-238 इस रेंज में ही कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी भी आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। अभी भी आइदर साइड में ना ब्रेकआउट आया है ना ब्रेकडाउन आया है, तो बेटर है यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। बजट के टाइम पे एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट 1.5 मंथ से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम पेंडिंग है जो आइदर साइड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक में अभी आपको वेट करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।